इंडोनेशिया के एक सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत तो देखिए। यह गार्ड 23 फीट लंबे अजगर से पिछले दिनों 20 सड़क पर भिड़ गया। इस अजगर ने व्यक्ति को घायल कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में जीत गार्ड की हुई। रॉबर्ट नाबाम का यह सिक्योरिटी गार्ड काम से वापस लौट रहा था। उसने देखा कि दो लोग एक विशाल अजगर के कारण सड़क पार नहीं कर रहे, वो डर रहे। उसने लोगों के साथ मिलकर अजगर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अजगर के हमले से रॉबर्ट से एक हाथ लहूलुहान हो गया। दोनों में देर तक लड़ाई चली और अंत में रॉबर्ट की जीत हुई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि रॉबर्ट ने इस अजगर को कैसे मारा। रॉबर्ट का एक हाथ कट गया है और उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस अजगर के मरने के बाद लोगों के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चे तो उसे किसी खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे थे कि जैसे वो कोई हैवान हो। इतना ही नहीं, बच्चे अजगर की पीठ पर बैठकर उस पर कूद रहे थे और बार बार उसकी पूंछ को इधर उधर घुमा रहे थे। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।